राजस्थान में आज बीजेपी की पोजीशन ये है कि वसुंधरा राजे को लेके वहाँ क्लियर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगी कि नहीं होंगी, तो मामा तो बन गए मामा, पूरे मध्य प्रदेश के मामा का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है। तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ बीजेपी काफ़ी ज़्यादा पीछे नज़र आ रही है, 17 लोकसभा सीटें थी, 4 बीजेपी के पाले में गई है, तो यहाँ पर शायद फोकस करना बीजेपी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूज़ वॉल इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है लेकिन उससे पहले 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्ता दल हो या विपक्षी दल हो सभी ने जोर आजमाइश करना शुरू कर दिया है। तेलंगाना, मिजोरम, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी इन विधानसभा चुनावों को लोकसभा से जोड़ती हुई नजर आ रही है। हरीश जी, ये जो तैयारियां अभी हम देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, दिखाई तो विधानसभा चुनाव दे रहा है उससे पहले, लेकिन तैयारी जिस हिसाब से हो रही है वो लोकसभा के हिसाब से हो रही है बीजेपी खासकर। जी काजुल, ऐसा है कि आपने आजकल महाराष्ट्र में अजीत पवार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, एनसीपी तोड़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने अपने चाचा को शरद पवार को एक तरह से धोखा दिया और एनसीपी पूरी तोड़ दी। इसी तरह से वहाँ पर पहले शिवसेना टूटी थी, तो बीजेपी को लगा था कि हमने महाराष्ट्र के अंदर अपनी पैंट बना ली है और सबको हमने अपनी तरफ मिला दिया है। मैं अजीत पवार की बात करूं, अजीत पवार का जो बिहेवियर है वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि वो किसी पार्टी को लेकर सीरियस हो या किसी को, उनको डर सिर्फ अपना था, उनके अपने ईडी और सीबीआई की जांचों को लेकर डर था। जो आपने पहले भी देखा होगा कि पहले भी एक दो दिन की सरकार जब बनी थी उस टाइम पे भी इन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी और दो दिन बाद ही अपने चाचा के पास वापस चले गए थे। कहावत सुनी होगी आपने कि दुश्मन के खेमे में जाके पता करो कि कितना बल है, कितने हथियार हैं और क्या गोला बारूद है उनके पास। तो अजीत पवार की जो दिखाई दे रही है वो गुप्तचर वाली भूमिका दिखाई दे रही है कि वो बीजेपी के अंदर आए और अभी हैं और गोला बारूद गिन रहे हैं और कहीं ना कहीं वो बीजेपी को ही सेंध लगा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अभी सूचना, मतलब मैं बताऊं कि जिस तरह से सूचना मिली है अपने हमारे जितने सूत्रों के हवाले से, अजीत पवार जी मुसलमान को भी अपने साथ लेने की बात कर रहे हैं, जबकि वहाँ पर जो महाराष्ट्र में है वहाँ बिल्कुल मुस्लिम विरोधी ही रहे हैं हमेशा से। पर इसमें जो आग है ना, आग लगी महाराष्ट्र से। अब सुनिए, 5 जगह इलेक्शन होने और 2024 में आपके लोकसभा के इलेक्शन है। मैं आपको थोड़ा सा और बताऊंगा, इसमें आग लगी महाराष्ट्र से, गर्मी दिखाई दी राजस्थान में और एमपी में धुआं उठा। आप समझिए कि कहीं आग लगी, कहीं धुआं उठा और कहीं गर्मी नजर आई। राजस्थान में आज बीजेपी की पोजीशन ये है कि वसुंधरा राजे को लेके वहाँ क्लियर नहीं है कि वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगी कि नहीं होंगी। और अब मैं बात करूँ प्रधानमंत्री जी के जो चहेते हैं वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं हमारे, और अर्जुन सिंह मेघवाल जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। पहली पसंद अर्जुन सिंह मेघवाल हैं प्रधानमंत्री जी के, जो नाक और कान बोले जाते हैं उनके, पर जो वहाँ पर सर्वे कहता है अर्जुन सिंह मेघवाल को लेकर लोग कम पसंद करते हैं। अब दूसरा चेहरा कौन है? दूसरा चेहरा है गजेंद्र सिंह शेखावत, घर घर नल की योजना लाने वाले व्यक्ति और जल शक्ति मंत्रालय का सबसे बड़ा बजट, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा बजट उनके पास था और वो राजस्थान को बिलोंग करते हैं, राजस्थान से एमपी हैं, तो उनके ऊपर दूसरा विश्वास दिखाया है। पर अगर ये दोनों किसी तरह से भी एमपी में या राजस्थान में अगर आपको दिखाई दें कि इन्होंने कोई हुए, पर वहाँ जो वसुंधरा राजे का जो ऑरा है ना, वो ऑरा अलग है। वहाँ पर उनका ऑरा ऐसा है कि अगर उनके फेवर में कोई चीज़ नहीं जा रही है तो दूसरे खेमे में वो आग लगाने में माहिर हैं, वो खेमा अपना हो दूसरा या वो विपक्षी दल का हो, तो उनकी पकड़ इतनी मजबूत है एमपी में।
88 सीटों की घोषणा हो चुकी है। शिवराज सिंह चौहान का अभी तक लिस्ट में कहीं नाम नहीं। तो मामा तो बन गए मामा, पूरे मध्य प्रदेश के मामा का नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया है। और चर्चाएं ऐसी हैं कि जो थर्ड लिस्ट आएगी उसमें शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को जगह मिले। पर आपने एक चीज और देखी होगी कि शिवराज सिंह चौहान ने अभी एक अपनी बैठक बुलाई जिसमें अपने उसने उच्च अधिकारियों को और अपने सभी अपने करीबी जितने भी उनके वो थे उनको सबको थैंक यू वेरी मच की एक तरह से टी पार्टी दे दी है। वो उन्होंने भारी मन से कहा कि मैं बड़ा प्रसन्न हूँ और मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे साथ अच्छे से काम किया, लोग मतलब सेवा करी लोगों की, ये करा वो करा, बहुत सारी चीज़ों को थैंक यू भारी मन से उन्होंने थैंक यू वेरी मच कर दिया। पर थैंक यू वेरी मच करने का टाइम नहीं आया था अभी, अभी टाइम तो था ही नहीं, अभी ना इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं ना डेट डिक्लेयर हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी शिवराज सिंह चौहान की दिखाई दे रही है। ये जो तीनों ही राज्यों का आपने जिक्र किया, जो बातें बताई हैं, ये आप इसे विधानसभा की तरह देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव को भी जोड़कर देख रहे हैं, ये भी जनता जानना चाहती है कि आप, क्योंकि बीजेपी तो तैयारी विधानसभा चुनाव की भले ही कर रहे हो लेकिन मेन तो टारगेट लोकसभा चुनाव ही है। बिल्कुल, लोकसभा को लेकर टारगेट है। अब बीजेपी जो है ना, मैं बीजेपी के जो मैंने स्टडी किया अपने इतने सालों में, बीजेपी बड़ी प्लानिंग के साथ चलती है और उनकी प्लानिंग बड़ी ऐसी होती है कि माइन्यूट प्लानिंग होती है उनकी। उनके बीच में मैं बता दूं, विधानसभा में उनके ये पांच विधानसभाओं में उनके जो इलेक्शन होने वाले हैं, अब उनकी सीटें भी आप, अगर आपके पास डेटा हो तो जरा उनकी पांच विधानसभाओं की सीटें आप बता दें। देखिए, राजस्थान की अगर हम बात करें, भले यहाँ कांग्रेस की सरकार हो लेकिन कांग्रेस के जो दो बड़े खेमे हैं, चाहे वो सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, वहाँ पे मनमुटाव हमेशा से ही रहा है। तो यहाँ पर शायद हो सकता है कि बीजेपी के लिए इस बार आसानी हो सेंधमारी करना, लोकसभा के हिसाब से भी और विधानसभा के हिसाब से भी। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटें हैं और पिछले चुनावों में बीजेपी ने यहाँ 29 लोकसभा सीटों में से 28 सीटें जीती थी, एक सीट पर। बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश वो। लेकिन यहाँ बात यह है कि आपका वोटिंग परसेंट जो है वो थोड़ा कम रहा था, 60% रहा था। और इसके अलावा अगर तेलंगाना की हम बात करें तो यहाँ बीजेपी काफी ज्यादा पीछे नजर आ रही है। 17 लोकसभा सीटें थी, सिर्फ 4 बीजेपी के पाले में गई है। तो यहाँ पर शायद फोकस करना बीजेपी को बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो आदिवासी सीटों पर फोकस बीजेपी का हमेशा से रहा है। 11 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें साल 2019 के चुनाव में अपने नाम कामयाब करने में बीजेपी रही थी। देखिए, ये अच्छी पकड़ है बीजेपी की। लेकिन अगर मैं तेलंगाना की बात कर लूँ या छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूँ या मिजोरम की बात कर लूँ, राजस्थान मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए उतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन इन दो राज्यों में बहुत मुश्किल हो सकती है जब मणिपुर वाला। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, आपने कहा कि यहाँ तेलंगाना में कितनी सीटें थी, 4 सीटें, और हमारी लोकसभा में कितनी सीटें आई थी एनडीए की, 325 सीटें। अगर 325 में से 4 सीटें और कम, 4 सीटें थी ऑलरेडी थी, मैं बोलता हूँ 4 और कम होगी तो 321 के आसपास हो जाती है। तो बीजेपी की सरकार बन रही है तेलंगाना की तरफ से, छत्तीसगढ़ में आपकी 9 सीटें थी, 9 और चली जाती है तो कितना और फर्क पड़ गया, सरकार फिर भी बन रही है। ये छोटे स्टेट हैं। अब जो सबसे बड़े स्टेट हैं वो है मध्य प्रदेश और राजस्थान, जहां 25 और 29 सीटें हैं, जहां से पैकेज पूरा बन के आया था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। यानी अगर पूरा एनालाइज किया जाए, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि बीजेपी अगर इन छोटे राज्यों पे फोकस नहीं भी करती है तो भी आराम से अपनी एनडीए की सरकार बना सकती है। पर जो सेंधमारी हो रही है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अभी आज हम जिक्र 3 स्टेट का करते हैं, तो 3 स्टेट में से अगर हम बात करें तो, और चौथा हम एक और ले लेते हैं उत्तर प्रदेश, जहाँ 80 सीटें थी और 80 में से बीजेपी के पास शायद 71 या 72 सीट इनके पास थी। तो सरकार बनने के लिए इनको 4 स्टेट अगर इनके पास मिल जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तो सरकार बन जाती है। अब बाकी जगह से अन्य से कहीं से 1 या 2 सीटें भी आती हैं तो सरकार बनती है। अब मैं बता, उत्तर प्रदेश में तो आसान लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, नहीं मैं आपको बता दूं, आसान इतनी आसान नहीं है, कांटे भरी रहा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में हार हुई है,
तो कहीं ना कहीं मतदाताओं का विश्वास कहीं ना कहीं डगमगाया है, और विश्वास जो गया है इस बारी इसमें वो विपक्षी दल के ऊपर गया है, क्योंकि राहुल गांधी की पदयात्रा कुछ ना कुछ संदेश लेके आई है और उसकी जो तपेश है वो दिखाई देगी। तो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि आप तो ये बात भी तो यहाँ सच हो जाती है ना कि INDA गठबंधन कह रहा है कि हमसे बीजेपी डर गई है, तो ये आप बात सटीक बैठ रही है। अब मैं बताऊँ आपको, INDI की आपने बात करी, INDI की गठबंधन को लेके आपने ये, आपने थोड़ा सा और पीछे जाएं तो INDI का गठबंधन लोकसभा के लिए हुआ है। INDI का गठबंधन जब लोकसभा के लिए हुआ है तो वो स्टेट में क्या करने वाले, स्टेट में तो सब इंडिपेंडेंट लड़ने वाले, जब इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ तो कहेंगे, वो मैसेज फिर जाता है, और मैसेज लोकसभा तक कैसे बोलेंगे कि अभी हम जब आए थे आपके बीच में तब हम आपको, तब हम अलग थे, लोग सुनने वाले तो वही व्यक्ति है ना, सुनने वाला व्यक्ति वही है, वोटर वही है, उसके 3 महीने बाद उसकी नीली स्याही जो है उंगली से मिटेगी और उसकी यादें नहीं जाएंगी 3 महीने तक कि आज तो इन्होंने कहा था कि भाई कांग्रेस आम आदमी पार्टी ये भ्रष्टाचार और ये भ्रष्टाचार ये सब बातें होंगी, और लोकसभा में बोलेंगे नहीं नहीं हम सब भ्रष्टाचारी एक तरफ है। तो INDI का जो खेल है, या तो इनको अभी से एक हो जाना चाहिए था, या फिर विधानसभा के लिए भी इनका सीटों को बंटवारा यही हो जाना चाहिए था ताकि इनकी रणनीति एक जैसी रहती लोकसभा तक, पर इनकी रणनीति अलग अलग है तो ये कंफ्यूज कर रहे हैं जो जनता को, वो कंफ्यूज होने वाली नहीं है, तो इसका असर इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा INDI का, और इनके आपस में ही तालमेल अभी कुछ बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां मैं करूं नीतीश कुमार का चेहरा सबसे ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो है नीतीश कुमार होंगे, और नीतीश कुमार ने मंदिर और कई जगह दरगाह जाना शुरू कर दिया जी, तो ये जो है, तो अब नीतीश कुमार को एक्सेप्टेंस ममता की तरफ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके केजरीवाल की तरफ से मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और राहुल गांधी की तरफ से मिलेगी कि नहीं, अभी क्योंकि किसी ने भी अपना क्लियर नहीं किया। राहुल गांधी ने अपना स्टैंड क्लियर किया, मुझे कुछ पद नहीं चाहिए, मैं तो मोहब्बत की दुकान लगा के बैठा हूँ, और मैं, मेरा कोई लालच है, मेरे तो देश सेवा ही मेरा एक लालच है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है, जिस परिवार ने 60-65 साल राज किया हो उसकी महत्वाकांक्षाएं ना हो। पर अगर राहुल गांधी नहीं तो कौन, प्रियंका गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, क्योंकि दलित चेहरों में खड़गे सबसे ज्यादा मजबूत नहीं, 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 खड़गे साहब को भी आपने अगर ध्यान से उनको देखें, बोलते हैं ना कि किसी आदमी का बिहेवियर जो है ना उसके मुंह से नहीं उसकी एक्टिविटीज से नजर आता है, वो उनकी पोजिशन भी आज की डेट में मनमोहन वाली पोजिशन ही है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाली पोजिशन, समझदार है, अच्छा बोलते हैं, पर पोजीशन उनकी वही दिखाई देती है कि वो सिर्फ अध्यक्ष हैं, डिसीजन मेकिंग नहीं है, डिसीजन पावर नहीं है उनके पास, तो ये इस तरह के कुछ उनके बारे में है। तो सरकार तो फंसती हुई नजर आ रही है, अगर हम इन सब उसको देखें, सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, सरकार बनने में कोशिशों में जो इन BJP की तरफ से कोशिशें हैं, कहीं ना कहीं मतभेद अंदर के नजर आ रहे हैं, अगर इन्होंने इसको क्लियर नहीं किया और अपने बड़े बड़े रणभूमि में अपने सैनिक नहीं उतारे तो मुश्किल हो सकती है। लेकिन विधानसभा और लोकसभा की मैं बात करूं तो लोकसभा में जिस तरह से 2019 में आंकड़े आए, 2014 में वो मोदी मैजिक था, तो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी चेहरे पर ही वोट डाले गए थे, इसलिए लोकसभा को अगर हम अलग रख के विधानसभा को हम देखें, 2019 से पहले 2018 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे राज्य जिसमें बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई थी, लेकिन 2019 में केंद्र में बनी NDA की ही सरकार थी, तो यहाँ भी कुछ अगर राजस्थान में पेंच फंसता है, मध्य प्रदेश में भी फंसता है, तो हम क्या बीजेपी पूरी तरह से सेटिस्फाइड है कि कोई बात नहीं हम लोकसभा में निकाल लेंगे? देखिए मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ, दोनों तरह से सहमत ऐसे हूँ कि ऐसा हुआ था, पर ड्यूरेशन क्या था, एक साल, 18 और 19 का बीच का ड्यूरेशन था, 19 में मोदी मैजिक चला था, मोदी के ऊपर लोगों का विश्वास था, उनके ऊपर एक वो था कि परिवारवाद नहीं है, इनके साथ इनका परिवार नहीं है, कुछ नहीं, वो फैक्टर था। अब मोदी मैजिक थोड़ा सा स्लो दिख रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, फायदा कैसे मिल सकता है, फायदा ऐसे मिल सकता है कि इलेक्शन में बोली हुई बातें, और बिल्कुल बैक टू बैक इलेक्शन है, अगर यहां दिसंबर में इलेक्शन हुए मान लो तो फरवरी में लोकसभा के, तो मेमोरी जो है ना वोटर्स की वो इतनी शॉर्ट भी नहीं है, 6 मंथ मेमोरी तो मानी जाती है,
छः महीने का मेमोरी वो तो माना जाता है कि मैजिक चल सकता है, पर 2-3 महीने के ब्रेक में मैजिक चलना बड़ा मुश्किल है। तो मेमोरी मतलब लोगों को भूलने की शक्ति ऐसे इतनी भी कमजोर नहीं कि 3 महीने में वो सब भूल जाएं और शिफ्ट हो जाएं मोदी की तरफ। या तो वो पहले से ही अपना मन बनाएंगे और लोकसभा तक वो असर दिखाई देगा, और अगर इन 5ों जगह हार हुई तो बड़ा असर बीजेपी को मिलेगा लोकसभा चुनाव में। अगर कर्नाटक की मैं बात करूं, हिमाचल की मैं बात करूं, तो और गुजरात में अच्छा बहुमत मिला, सरकार बनाई, लेकिन कर्नाटक में खो दिया। दक्षिण में तो पूरी तरह से बीजेपी कहीं ना कहीं सफाया हो रहा है। ये असर क्या वाकई राहुल गांधी की? बिल्कुल, राहुल गांधी का यात्रा का है। राहुल गांधी इससे बीजेपी को सीखने की जरूरत है। वो लोगों से कनेक्ट हुए हैं, उन लोगों के बीच में गए हैं। राहुल गांधी का असर है। सरकार की जो भी उनकी उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। जिस तरह से हमारे देश में जो वो देखा जाता है राजनीतिक समीकरण, वो इस तरह से देखा जाता है कि कौन कितना पुराना है। उन्होंने अपने पुराने लोग हटाए नहीं है, उन्हीं को टिकट दिया है, तो उनका विश्वास पुराने लोगों पे है। यहाँ क्या हो रहा है बीजेपी के अंदर, यहाँ पर शफल होते हुए नजर आ रहे हैं कि बड़े चेहरे लाए जा रहे हैं, मतलब जो भी आ रहे हैं, क्रिकेटर जो भी मंत्री आ रहे हैं। जिन्होंने कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़ा वो विधायक का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कई कई राजस्थान में बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने अपना हाथ खींच लिया है कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं डर नजर आ रहा है साफ। अभी सर्वे की रिपोर्ट्स और आनी बाकी हैं, पर लेकिन एक और चीज यहाँ पर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चेहरा क्या होगा विधानसभा चुनाव का, सीएम चेहरा कौन होगा, ये साफ नहीं हो पाया है। तो क्या मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा फिर बाद में? फिर आपने कर्नाटका में देखा ना, मोदी के चेहरे पर लड़े थे, हार हुई तो किसका चेहरा लगा था आपने देखा। तो इसी तरह से मोदी के चेहरे पे लड़ सकते हैं पर मुश्किल भी हो सकती है। तो हार की जिम्मेदारी पूरी हार की जिम्मेदारी जिसके चेहरे पर लड़ेंगे, हार की जिम्मेदारी तो उसकी बनती है, हार की जिम्मेदारी उसी की बनेगी जिसके चेहरे पर लड़ेंगे। पर इतना बड़ा रिस्क, इतनी बड़ी स्ट्रेटेजी फेलियर नहीं हो सकता बीजेपी का। बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए। एक और सवाल आता है कि विधानसभा के मुद्दे लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, लोकसभा चुनाव को लोग अलग तरीके से देखते हैं, विधानसभा चुनाव को अलग तरीके से देखते हैं। अगर राजस्थान की मैं बात कर लूँ तो यहाँ का चुनाव बहुत अलग तरीके का हो जाता है, दिलचस्प तरीके का। यहाँ पर देखिए क्षेत्रवाद, जातिवाद, सरनेम, इन सब के आधार पर भी वोट पड़ते हैं। या अगर आप जमीनी स्तर पर जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो वो नज़र आता है। बिल्कुल, वो पड़ते हैं जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, और बिल्कुल जातियों में से ही निकाला जाता है कि किसके वोटर ज़्यादा हैं। जैसे राजस्थान में कई जिस क्षेत्र में राउत भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, इस तरह से कई मतलब फिर एक रियासत आ जाती है, राजघराने आ जाते हैं। अब इसी तरह से मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया पे बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया जो है बड़े चेहरे माने जा सकते हैं, पर जो उनकी बीजेपी में पोजीशन अभी देखी जा रही है वो फेवरेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा वो निकल के बाहर नहीं आए, ना उनकी सीट डिसाइडेड है, ना कुछ है, ना चेहरा है। अगर ऐसा होता तो उनको पहले से प्रपोज करते कि भाई आप जाओ और इलेक्शन जिताओ और वहाँ के चीफ मिनिस्टर बनो, तो वो भी पोजीशन दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी हमें इंतजार करना होगा। राजनीतिक पंडित तो बहुत कुछ कह रहे हैं लेकिन किसकी बातें सटीक बैठेंगी, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। और हरीश जी, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर जी, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया का ऐप जरूर डाउनलोड करें, इससे आप हम तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अपनी समस्याएं हमारे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, जिसको हम जल्द से जल्द आपको मदद पहुंचाने में अपनी टीम को पूरा लगाकर आपकी मदद तक पहुंचेंगे। और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप एंड्रॉयड फ़ोन पे अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कीजिए और अपनी खबरें हम तक भेजिए। अच्छी खबर को हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, अपने एंड्रॉयड फ़ोन से डाउनलोड करिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ऐप। धन्यवाद।